क्योंकि जिंदगी की बात है यार, धगड़ा धगड़ा पति आ रहे हैं पास्टर। जो भी नहीं, गुस्सा भी नहीं है। नहीं, बच्चों की जिंदगी की बात है यार, धगड़ा धगड़ा पति आ रहे हैं पास्टर। LCL के घर छट रहे हैं, अभी चुनू ने रनिंग बना हुआ था, लग रहा था कि दौड़ जाएगी, लेकिन LCL के घर छट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आपको बता दें कि NCL और EWS को लेकर देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कल सुबह से ही सड़क पर बैठे हुए हैं, और इस ठंड में भी पूरा रात ये तमाम लोग सड़क पर बैठे हुए थे। और देखिए अब अभ्यर्थियों के जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो फूट फूट कर कैमरे के सामने रोने लगे, गुहार लगा रहे हैं कि बचा लीजिए, नौकरी नहीं हो पाएगा, NCL की वजह से छट जाएंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के साथ देखिए दरोगा गुरु रामान सर भी रो रहे हैं, और क्या कुछ कर रहे हैं आप वो भी देखिए। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए किस तरीके से जो मजिस्ट्रेट है खान सर, देखिए उनके पैर पर गिर गए अभ्यर्थी, और पैर पर गिर कर देखिए गुहार लगा रहे। देखिए देखिए ये जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो अभ्यर्थी है वो NCL EWS लागू किया जाए, प्लीज माननीय मुख्यमंत्री बच्चों की गुहार सुन लीजिए सरकार, नया NCL और EWS लागू किया जाए। हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे, इतना मेहनत करके हम रिटर्न पास किए हैं, हमारे मम्मी पापा कितना इंतजार कर रहे होंगे कि बेटा पुलिस बनेगा। चल इधर आइए बेटा, झटेंगे हम कहीं कहीं मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे मम्मी पापा कितना आशा लगाए हैं। हम लोग लखीसराय से आए, हाँ पूरा फोन कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं कि अभी क्यों NCL के घर छट रहे हैं, अभी चुनू ने रनिंग बना हुआ था, लग रहा था कि दौड़ जाएगी, लेकिन NCL के घर छट रहे हैं। इधर आइए, ये पल देखिए, क्यों कहाँ से आए, 200 किलोमीटर दूर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, नौकरी नहीं होगा, NCL के कारण छट रहे हैं, हाथ के कारण नहीं, हाथ ठीक हो जाएगा मेरा, लेकिन NCL नहीं है उसके कारण नौकरी नहीं होगा इसीलिए। चलिए देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं देखिए जो खान सर है जो मजिस्ट्रेट है, देखिए जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं रो रहे हैं। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी वो देखिए एक दूसरे के देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं रो रहे हैं। देखिए आपको जो सीधा तस्वीर है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से गुहार है भैया, सरकार से गुहार है, ये बच्चों की बात सुन ले, बच्चे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं बच्चे भैया, नहीं तो भावुक की बात। आपके हाथ में आंसू कैसे सर? हम माननीय मुख्यमंत्री से गुहार है, बच्चों सुन लीजिए प्लीज भैया, हमारे हैं प्लीज भैया, प्लीज ये सभी बच्चे हमारे भी हैं, प्लीज भैया समाधान करवाइए सर, आप चाहिए तो हो जाएगा, आप चाहिए तो हो जाएगा, आप चाहिए करवाइए करवाइए सर, कल तो मिलवाया है बाबू, आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए, आपकी कोशिश को हम लोग जान रहे हैं, आपकी कोशिश हम लोग कामयाबी है, सरकार भाई लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार है, इस लोकतांत्रिक सरकार में अगर बेटी बेटे का बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, किसके पास जाए हम लोग, आयोग नहीं मान लेंगे तो फिर ये लोग फिर कैसे, ये लोग बेटी या बेटा का दर्द किसी से बर्दाश्त नहीं होता यार, तुम लोग कुंवारा हो इसलिए नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, ये किसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री गुहार को सुने, इन बच्चियों और बच्चों के नया NCL EWS को लागू करें। सर रो भी नहीं, गुस्सा भी नहीं, नहीं बच्चों की जिंदगी की बात है यार, धगड़ा धगड़ा पति आ रहे हैं बात कर रहे हैं। देखिए कुछ अभ्यर्थी भी हैं, ये लोग से बातचीत करेंगे। रात भर आप लोग बैठे थे यहीं पर? रात भर, कल सुबह 8 बजे आए, आज हो गया कि 11-12 बज गया, लगभग 28 घंटा से बैठे हैं यहाँ पे, आप गला देख सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं क्या हाल हो गया, रात में ठंडा में इसमें सोए हम लोग, चलिए मानते हैं लड़कन सोया कोई दिक्कत ना है, लड़कन से कहीं सूत जाता कोई दिक्कत नहीं है, भर रात लड़की सोई है। नीतीश जी कहते हैं क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, अरे बेटी को रोड पर सुताओ कौन नारा दे दिया नया भाई, रोड पर लेटी लड़की सोएगी, तो लोग रो भी रहे हैं, लड़की भी रो रही थी, गुहार लगा रहे हैं हम लोग, नौकरी दे दीजिए, इतना मेहनत से रिटर्न पढ़ के निकाले हैं, ए वो कागज़ की वजह से छट जाएंगे, बताइए कितना बुरा होगा हम लोगों के लिए, कब का वैकेंसी आता है, 2 साल में 3 साल में एक बार पुलिस का वैकेंसी आएगा, आप कैलेंडर जारी करते ना महोदय कि हाँ भैया साल में हम इतना तारीख के वैकेंसी निकालेंगे, हमसे कागज़ बनवा के रखते, उस टाइम आप कहीं नहीं मांगे कागज़, आप खाली टिक मरवाएं, खाली टिक मरवाएं, हम टिक मार दिए NCL EWS जो भी है टिक मार दिए हम लोग, आज कह रहे हैं 2022-23 का चाहिए,
किसी एनसीएल वाला को ईडब्ल्यूएस मतलब सब्र का बांध टूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है, देख के नहीं लग रहा सर, लग रहा कि क्या हम लोग को हो गया, एकदम बैठे बैठे परेशान हो गया पूरा, परेशान हो गया रात भर। यदि आपको अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीएसबीसी से, यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए था तो उसमें फॉर्म में क्यों नहीं भरवाए आप, क्यों सिर्फ आप उसमें जो कि सिर्फ कैटेगरी टिक करवा दिए उसमें क्यों नहीं खोजे आप, उसमें क्यों नहीं सर्टिफिकेट खोजे आप, क्या हम नहीं बनवा के दे सकते थे सर्टिफिकेट उस समय, हम बनवा के दे सकते हैं 800 रुपया यदि हम फॉर्म भरने में आपको दे सकते हैं तो 50 रुपये का हम आपको सर्टिफिकेट भी बनवा के दे सकते थे, तो आपने उसमें क्यों नहीं मांगा और अभी ये नौटंकी क्यों, हम लोगों के साथ ऐसा गंदा खेल क्यों खेल रहे हो, बिल्कुल भावुक होना है, सब कोई भावुक हो रहे हैं, हम युवाओं के साथ ये गंदा खेल क्यों खेल रही है सीएसबीसी, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है सीएसबीसी हम लोगों के साथ। हम नीतीश बाबू से कहेंगे चाचा से कि आप हम लोग को आज रोड पर बिठा कर रुला रहे ना, आपको 25 में न रुला दिए ना, हमसे युवा नहीं युवा है, 25 में रुलाएंगे आपको, ऐसे बैठाएंगे आपको, याद रखिएगा 42 को से एक ऊपर ला के छोड़ देंगे। ठंड में रात भर काफी ज्यादा ठंड था, ठंड में भी आप लोग सड़क पर पूरे ठंड में हम हमारी बहने भी रही है, लेकिन कोई भी अभी तक नेता प्रशासन कोई नहीं आया है, ठीक है ना। अब बात रहा एनसीएल ईडब्ल्यूएस का, इस बार एग्जाम साफ सुथरा रिजल्ट भी अच्छा है, इसलिए हम सीएससी को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, लेकिन इसमें पढ़ने लिखने वाला बच्चा को ना हो कॉन्स्टेबल में, इसलिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस में पेच फंसा रहा है, और बार चोरी चल जाता था, चोरी चमारी वाला स्टूडेंट कॉन्स्टेबल बन जाता था तो और मेरी मतलब ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मुद्दा नहीं आता था, लेकिन इस बार एग्जाम साफ सुथरा हुआ है, सरकार का नियत है सीट खाली चले, अगला बार वैकेंसी आएगा उसमें चोरी चला के सब चोर चुट्टा के बिल्कुल नहीं होने देंगे, सब चोर चुट्टा के फिर भर दिया जाएगा कॉन्स्टेबल में, सब 8-8 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया देकर कॉन्स्टेबल में जाएगा सब, फिर रंगदारी उसलेगा, सरकार खुद चाहती है कि पढ़े लिखे मतलब बच्चा सिस्टम में ना जाए, सरकार की ये सोची समझी चाल है। देखिए और भी कुछ लोग है, रात भर तो आप लोग गुजार दिए? जी जी रात भर में यही पे थे जी, बहुत ठंड था, रात भर यहीं पर आ गए जी सर, हम रात भर कीजिएगा आप लोग क्या करेंगे, जब तक नहीं कुछ डिसीजन आता है तब तक यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहिएगा, कल सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, आप कब तक बैठे रहिएगा, जब तक नोटिस जारी नहीं होगा जब तक यहीं रहेंगे, तब तक एकदम बैठे रहिएगा जी सर, एकदम रात भर ठंड में सोए हैं सर, मच्छर काटा है एकदम पूरा, एकदम पूरा बेचैनी से सोए हैं सर। अब तो कई ऐसे आपके सहयोगी लोग हैं जो भावुक भी हो रहे हैं, हाँ सर ये तो एकदम लाजमी है भाविक होना सर, किसी किसी का लास्ट डेट है, किसी का पढ़ने के पास में है तो सरकार को लग रहा है स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो मतलब ये मतलब सोच रहा है कि मतलब अति बहाली मतलब कैसे भी छाटे लड़कन को। तो अभी आपने देखा किस तरीके से, देखिए जो तमाम सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं वो देखिए कल सुबह से ही धरने पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, और देखिए इस ठंड में भी पूरी रात जो अभ्यर्थी थे वो सड़क पर सोए थे, और देखिए अब जो अभ्यर्थियों का सब्र का बांध है वो टूटने लगा है, देखिए अभ्यर्थी अब रो भी रहे, क्या कुछ कर रहे हैं बोलिए। देखिए भैया हम लोग को तबीयत खराब हो गया है फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसको जो है हम लोग जैसे शरबत पी रहे हैं वैसे सब बांट चुट के सबका अधिकतर का तबीयत खराब हो गया है, हम लोग नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन गिरवाइए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, आत्महत्या करने से नौकरी मिल जाएगा, अब वही रास्ते है भैया, देखिए उम्र का शादी का उम्र पार हो रहा है, देखिए इनका सिचुएशन देखिए, पूरा बाल पक गया, अब उम्र एकदम क्रॉस कर चुका है, लास्ट है। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं देखिए सीएसबीसी आयोग से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे, फुट फुट कर रो रहे हैं, दरोगा गुरु देखिए रहमान सर भी रोने लगे और गुहार लगा रहे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करंट का लागू किया जाए। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।